हाय, मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको 2BHK चाहिए करण जाड़े में, लेकिन उनको जब भी मैं 2BHK की प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ तो उनको वो ज़्यादा पसंद नहीं आते, क्योंकि जो साइज है, आप स्पेशली अगर नई प्रॉपर्टी 2BHK की लेने जाएंगे करण जाड़े में एक प्राइम एरिया में, तो 70 लाख आपके हाथ में चाहिए और आपको एरिया मिलता है 1000 स्क्वायर फीट। तो एरिया वाइज स्पेशियस 2BHK यहाँ पे मिलना वो पर्टिकुलर बजट में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपका बजट है 60 लाख और अगर आपको चाहिए बड़ा स्पेशियस 2BHK, तो आज मैं ये प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ। करण जाड़े के प्राइम लोकेशन में है और इसका जो एरिया है, जो स्पेसिफिकली जो बिल्टअप एरिया है, वो 1300 स्क्वायर फीट के आसपास हो गया है। ऑन पेपर 1100 है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख का काम किया है ओनर ने। और आप देख सकते हैं ये एल शेप, पहले तो ये लिविंग रूम देखिए कितना बड़ा है, बहुत ही बड़े साइज का लिविंग रूम है, छोटी बालकनी है यहाँ पे। और मैं अभी आपको पूरा इसका टूर कराता हूँ, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये जो रेट है, इट्स मतलब ऐसा है कि मार्केट का लोवेस्ट रेट है और इससे कम में आपको इतना बड़ा 2BHK करण जाड़े में मिल नहीं सकता, स्पेशली एट दिस प्राइम लोकेशन, प्राइम सेक्टर। तो ये अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर्टी टूर कराता हूं। सबसे पहले ये जो है G+7 टॉवर है करण जाड़े में, और ये प्रॉपर्टी है 3rd फ्लोर के ऊपर। और लॉबीज आप देखिए कितनी ह्यूज लॉबीज है यहाँ पे। ये जो प्रॉपर्टी है 7 इयर्स ओल्ड है, लेकिन इट्स अ वेल मेंटेन सोसाइटी। आइए, सेफ्टी डोर का पूरा सेफ्टी डोर ओनर ने ऑलरेडी लगाया हुआ है, और आपको आते ही सबसे पहले दिखेगा ये मेन डोर। देखिए पूरा सागवान का लाकुड़ है, पूरा सागवानी लाकुड़ है, उससे ये डोर बनाया हुआ है ओनर ने। आइए, और ये एल शेप लिविंग रूम इसका मेजर हाईलाइट है, इतना बड़ा लिविंग रूम है इसका। एक्चुअली ओनर ने यहाँ पे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, बहुत सारा खर्चा किया है ये पर्टिकुलर रूम के ऊपर। यहाँ पे पूरा एक्सटेंड किया है, ये पूरा एक्सटेंडेड पार्ट है, काफी स्पेशियस सा ये 2BHK है, कंसील्ड लाइट्स की है। साथ ही एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी वायरिंग का काम है, वहां पे हाई जो जाड़ी वायर रहती है पॉलीकैप में, तो वो सभी वायर्स ओनर ने जाड़ी वायर्स डाली हुई है, थिक वायर्स पॉलीकैप की। ऑलमोस्ट 30,000 का खर्चा किया है वायरिंग के ऊपर। अभी ये देख लीजिए, जैसे मैंने बोला काफी अच्छा बेडरूम है, सॉरी लिविंग रूम है, स्पेशियस है। अभी किचन दिखा देते हैं आपको। किचन देखिए, यहाँ पे भी एक्सटेंशन किया हुआ है पूरा, यहां तक किचन था और अभी देखिए यहां से यहां तक पूरा बढ़ाया हुआ है। और ये जो किचन है पूरा एल शेप में है, मॉड्यूलर किचन ऑल्सो इज इन अ गुड शेप, मतलब यहां पे आपको मॉड्यूलर किचन भी अच्छे कंडीशन में है, काफी अच्छे कंडीशन में है। और स्टोरेज, वाटर स्टोरेज टैंक यहां पे ओनर ने लगाया हुआ है। हालांकि यहां पे 24 आवर्स वाटर है, लेकिन फिर भी यू गेट द एडिशनल बेनिफिट ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक्स। अगर कभी पाइपलाइन का अगर रिपेयरिंग का काम रहेगा तो यू कैन स्टोर द वाटर हियर। ये फर्स्ट बेड देख लेते हैं। देखिए यहां पे भी पूरा जो एक्सटेंड किया हुआ है ये पर्टिकुलर पार्ट, ये तो इतना सा ही बेड था, लेकिन अभी पूरा बड़ा हो गया है साइज ऑफ द बेडरूम। और काफी ओपन व्यू है, अच्छा लगता है यहाँ पे आपको, पूरा ओपन लगता है व्यू, तो क्लाइमेट भी अच्छा है यहाँ पे। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा, ये जो टॉयलेट के बाजू में ये लाल कलर की स्ट्रिप आप देख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रिप है ना, ये इट्स बेसिकली कुछ वास्तु का प्रोसेसिंग किया है जो ओनर ने, टू रिमूव एनी निगेटिव एनर्जी। मतलब यहाँ पे एक्चुअली द ओनर इज वेरी मच बिलीव इन द वास्तु कंसेप्ट, वास्तु शास्त्र, तो रूम इज वास्तु कंप्लायंट, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। साथ ही जो भी कुछ निगेटिव एनर्जीज
जो दूर करने के लिए वास्तु में प्रोसेसेस की जाती है वो भी ओनर ने यहाँ पे की है। आप देख सकते हैं इट्स अ मास्टर बेडरूम, यहाँ पे भी टॉयलेट में उन्होंने सेम काम किया हुआ है। और आगे आप देखिए जो डक्ट रूम है, डक्ट एरिया काफी बड़ा है, वॉशिंग मशीन भी रखी जा सकती है यहाँ पे, सामान भी ऊपर आप रख सकते हैं, एडिशनल स्टोरेज स्पेस है, तो स्पेस की यहाँ पे बिल्कुल कमी नहीं है ये 2 BHK में। तो अगर आपको भी स्पेशियस 2 BHK चाहिए करण जाड़े में, तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। एट द सेम टाइम इसका बजट 60 लाख में आपको ये 2 BHK आ रहा है, प्लस टैक्सेस इट्स जो है वो एडिशनल है। तो मेरे ख्याल से आप मुझे अगर 2 BHK देख रहे हैं करण जाड़े में, तो आपको ये प्रॉपर्टी जरूर देखनी चाहिए। तो मुझे प्लीज कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर है 8652413366, और मेरा प्लीज जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप मेरे जो YouTube चैनल प्लेलिस्ट है उसे भी देखिए, वहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस फ्रॉम ऑल ओवर द पनवेल आपको मिल जाएंगे विद रेट्स। तो प्लीज कीप वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक्स अ लॉट।